मटीरियल डिवेलपमेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग डियर स्टूडेंट्स मुझे इस इस मॉड्यूल में आपसे लैंग्वेज uh, के बारे में मटीरियल डिवेलपमेंट जो है उस पर बात करनी है कि मटीरियल डिवेलपमेंट कैसे करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी चाहिए मटीरियल डिवेलपमेंट के हवाले से तो मटीरियल डिवेलपमेंट इन्वॉल्वस क्रिएटिंग और अडेप्टिंग रिसोर्स ये रिसोर्स को क्रिएट करना है अडेप्ट करना होता है दैट कैन सपोर्ट लर्नर्स किसके लिए टू अचीविंग देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग गोल्स और मटेरियल डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स ये एक बिल्कुल सही और साउंड प्रिंसिपल्स यानी उसूलों पर मबनी होनी चाहिए और लर्निंग और शुड बी अलाइंस विद द लर्निंग ऑबजेक्टिवस तो ऑबजेक्टिवस के साथ ये अलाइन होने चाहिए उसके मुताबिक और स्टूडेंट्स की नीड्स और गोल्स और जो लर्नर्स के गोल्स हैं उनके उनके साथ इनका रेलेवेंस होनी चाहिए अब सबसे पहला उसूल ये है कि जब भी कोई इदारा या कोई टीचर मटीरियल डेवलपमेंट करे तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स के लेवल का तयन करे और फिर उनकी नीड एनालिसिस करे तो फर्स्ट स्टेप इन मटेरियल डेवलपमेंट इज टू कंडक्ट नीड एनालिसिस उसके लिए वो उनसे क्वेश्चन के जरिए कर सकता है कोई सर्वे छोटा मोटा कर सकता है और उनकी आइडेंट नीड्स और गोल्स को आइडेंटिफाई करके फिर वो अगली अगली स्ट्रेटजी अपनी वो तय करे और द लर्न दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाई लैंग्वेज स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स आपने देखने हैं मैंने जैसे पहले पिछले मॉड्यूल में बताया कि देखे लैंग्वेज के चार बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं और चार स्किल्स हैं सबसे पहला लिसनिंग है दूसरा जो है स्पीकिंग है तीसरा रीडिंग है और रीडिंग से मुराद रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग होता है और फोर्थ है राइटिंग uh, तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है तो इसी तरतीब से आपने मटेरियल इसका डेवलप करना है इन सब के लिए और वन बाय वन उनको इस्तेमाल करना है टीचर ने और पर्पस क्या है कि हर एक गोल के लिहाज से वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करें उनमें रेलिवेंट एक्टिविटीज़ के जरिए उनको इस्तेमाल किया जा सके तो आइडेंटिफाई लर्नर्स प्रेफरेंस कल्चरल बैकग्राउंड और प्रीवियस लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू सर्वेस तो इसमें यह है कि जिस कल्चर में आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए दूसरी ये है यानी मटेरियल डेवलपमेंट करने वालों को और उसकी जो बच्चों के प्रीवियस लैंग्वेज लर्निंग या उनकी एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे सीखते हैं उनको भी आप मद्देनज़र रखें और उसके मुताबिक आप उसमें अपनी स्ट्रेटीज़ बना के और अगर चेंज करनी हो तो ग्रेजुअली चेंज करें सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नीड एनालिसिस के बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तय करना ये स्टूडेंट के जो नीड एनालिसिस किया है उसकी बुनियाद पर होगा और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी लर्न शुड बी सेट लर्निंग ऑब्जेक्टि स्पेसिफिक एंड मईअरेबल जो मैंने पाँच करेक्टिक्स बताए थे लर्निंग uh, ऑब्जेक्टिव्स के स्मार्ट वर्ड से जो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा वो उसके पांच करैक्टिसिक्स हैं और ये स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स के साथ अलाइन होने चाहिए अब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल मटेरियल डेवलपमेंट में आपने कौन सा मटेरियल सेलेक्ट uh, करना है तो आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स हैव बिन सेट सूटेबल मटेरियल शुड बी सेलेक्टेड तो उसको देखा जाए या डिवेल्प किया जाए तो उसमें टेक्स्ट uh, बुक्स हो सकती हैं वर्कशीट्स हो सकती हैं ऑडियो विजुअल एड्स हो सकती हैं रिसोर्स हो हो सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्स हो सकते हैं तो ये जो टीचर ट्रेनर होता है और ख़ास तौर पर जो लैंग्वेज टीचर होता है उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक एक्टिविटी के लिसनिंग के लिए लैंग्वेज लेबॉर्ट्री है और स्पीकिंग के लिए भी लैंग्वेज लबॉर्ट्री है तो पेशा रीडिंग के लिए आपके पास बुक्स और ये चीज़ें होती हैं और राइटिंग के लिए भी आपके पास नोट और वर्कशीट्स होनी चाहिए सो एथेंटिक मटीरियल जो है इसमें सच जैसे न्यूज़पेपर, टीवी प्रोग्राम्स या मैगजीन जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं और ये स्टूडेंट्स की एज के लेवल के मुताबिक उनके कल्चरल बैकग्राउंड और उनकी नीड्स के मुताबिक होने चाहिए एडेप्टिंग एंड सप्लीमेंटिंग मटीरियल तो कुछ मटीरियल जो सप्लीमेंट करता है यह अडेप्ट है आपने स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्नर्स सो एडेप इनवॉल्व मोडिफाइंग लैंग्वेज तो अडेप्टेन जो लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए चेंज करने में शामिल हो में ये एक्टिवटीज़ और एडिंग आर रिमूविंग कॉन्टेंट आर चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ द मटीरियल ये सब इसमें शामिल होगा और सप्लीमेंटिंग में क्या है इन्वॉल्व एडिंग मटीरियल टू एड्रेस गैप्स जो गैप्स उस सिलसिले में होते हैं उनको एड्रेस करना है ठीक है इन द एग्जिटिंग मटीरियल और टू प्रोवाइड एडिशनल प्रैक्टिस तो जो गैप्स आप लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से पाए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस में मटीरियल में उसको ब्रिज करना इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी अब मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है तो अब देखें प्रोजेक्टेड टेक्नोलॉजी और नॉन प्रोजेक्टेड टेक्नोलॉजी मसला मल्टी मीडिया ये सब चीज़ें अब इसमें शामिल हो गई हैं और इसका पर्पज़ क्या है कि इट इट कैन इन्हेंस द एफेक्टिवनेस एंड ऑफ मटीरियल इफेक्टिस्स का ताल्लुक एंड प्रोडक्ट से है और एफिशेंसी का ताल्लुक होता है सिस्टम की फंक्शनिंग के साथ तो ये प्रोवाइड करता है इंटरेक्टिव इंटरक्टिव सेशन या इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज और मल्टी मीडिया फीचर्स तो टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो प्रोवाइड असेस दथेंटिक मटीरियल वो भी फ्राह्म कर सकती है और लैंग्वेज लर्नर रिसोर्स दैट मे मे भी अवेलेबल इन ट्रेडिशनल मटीरियल्स तो ट्रेडिशनल मटीरियल्स भी हो सकते हैं यानी आप रियल सोर्स आप फर्ज करें आप फ्लावर के बारे में प्लांट्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो आप रियल उनको आप दिखा सकते हैं तो ये आपके ट्रेडिशनल सोर्सेज के तौर पर आ सकते हैं अथेंटिक मटेरियल को कैसे आप इनकॉपरेट करेंगे यानि शामिल करेंगे अथेंटिक मटीरियल्स दैट आर प्रोड्यूसड फॉर नेटिव जो नेटिव स्पीकरस होते हैं यानी कोई भी ज़ुबान जो उनकी नेटिव होती है जो उनकी जैसे इंग्लिश हैं वो नेटिव स्पीकर हों हमारे लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है एल टू है तो ये उसके हवाले से इनके ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन नहीं किए जाते जो है उनके लिए तो आपने जो अपनी नीड्स हैं उसके मुताबिक उनको मॉडिफाई करना है या अख्तियार करना है सो दे कैन प्रोवाइड लर्नर्स एक्सपोजर टू रियल लाइफ लैंग्वेज यूज़ And help डिवेल्प the, देयर language प्रोफिशेंसी जो उनकी लैंगवेज की महारत है उसको डिवेल्प करने में मावन हो सकते हैं और इसमें आप टी वी प्रोग्राम सॉन्ग्स हैं websites हैं मैं खुद teaching of Urdu में मुख्त websites और मुख्त poems और मतलब शरा की जो गज़लें या नज़में हैं जो उनकी आवाज़ में उन्होंने खुद रिकॉर्ड कराई होती है, मैं उनको अपनी क्लास में यूज़ कराता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए पायलटिंग एंड एवेल्यूटिंग मटीरियल अब जो आखिरी काम है जब आप कोई इदारा या कोई टीचर अगर उस मटीरियल को डिवेल्प कर लेता है तो अब ऐसे ही नहीं उसको क्लास में नहीं ले जाना चाहिए बल्कि उसकी पहले पायलटिंग होनी चाहिए यानी उसकी आजमाइश होनी चाहिए तो बिफोर यूजिंग मटीरियल विद लर्नर दे शुड बी पायलटेड टू इंश्योर दैट दे आर इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट क्योंकि उससे आपको उसकी खूबियाँ या ख़ामियाँ सब पता चल जाएंगे और अगर खामियों का पता चलेगा तो आप उनको इम्प्रूव कर लेंगे तो टेस्टिंग द मटेरियल विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ़ स्टूडेंट्स आर यानी जिस लेवल के लिए आप बना रहे हैं उन्हीं के एक स्मॉल ग्रुप के लिए आप उसको आज़माइश करें और फिर उनके फीडबैक के मुताबिक आप उसको इम्प्रूव करें और उनकी इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाएं द मटेरियल नीड टू बी रिवाइज्ड उनको रिवाइज करना पड़ेगा और इस तरह करके उनको मुख्तफ चीज़ों में मतलब कि ये इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो पायलटिंग के या आजमाइश के जो रिज़ल्ट होते हैं वो किसी भी मटेरियल की इफेक्टिवनेस को और उसको इम्प्रूव करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मटेरियल डेवलपमेंट में जो ये नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा बना लिया और पंद्रह साल वही मटेरियल चलता रहे आप उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए आपको शुड भी शुड बी कंटीन्यूसली एवेलुएट और इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स या चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी या वो सारी चीज़ें उनको हम उसको ताकि वो इफ़ेक्टिव रहे और उसका रेलिवेंट रहे और फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है टीचर को मुसलसल अपने स्टूडेंट से फ़ीडबैक लेते रहना चाहिए और उस फीडबैक को वो उसके मुताबिक उसमें चेंजेस करते रहना चाहिए और रिफ़्लेक्ट द चेंजेस इन लैंग्वेज यूज़ एंड लर्निंग नीड्स तो ये था कि कैसे टीचर्स को या इदारे को जो मटेरियल डेवलप करना चाहिए लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से